तो बच्चों हम सीख रहे थे एक्सपेंशन इन सॉलिड्स, और एक्सपेंशन इन सॉलिड्स में तीन टाइप्स थे, एक था लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा था एरियल एक्सपेंशन और तीसरा था वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है वो वन डायमेंशनल सॉलिड्स में होता है, जो एरियल एक्सपेंशन होता है वो टू डायमेंशनल सॉलिड्स में होता है, और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स में होता है। लीनियर एक्सपेंशन में क्या होता है, डिफरेंस लेंथ बढ़ जाती है हीट करने पर। एरियल एक्सपेंशन में क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है हीट करने पर। और वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है हीट करने पे। अब ये जो लीनियर एक्सपेंशन है, इस लीनियर एक्सपेंशन के अंदर में हमने तीन फार्मूला पढ़े, वो तीन फार्मूला क्या क्या हैं ये देखते हैं। तो हमने एक तो पढ़ा कि अल्फा की डेफिनेशन पढ़ी हमने, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा डेल्टा एल का, डेल्टा एल इज़ एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, और हमने फाइनल लेंथ जो है उसका फॉर्मूला पढ़ा, एल नॉट इंटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये तीन फार्मूले हमने पढ़े थे लीनियर एक्सपेंशन के अंदर में। ठीक है, तो ये तीनों एक ही फार्मूले हैं, बस रूप अलग अलग हैं डिफरेंट्स। और यहाँ पे जो अल्फा हमें नज़र आ रहा है, इस अल्फा को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे एरियल एक्सपेंशन की। और जो एरियल एक्सपेंशन होता है, एरियल एक्सपेंशन की जब हम बात करेंगे, तो एरियल एक्सपेंशन में भी यही तीन फार्मूला हैं। तो यहाँ पे बीटा की बात करते हैं हम, यहाँ पे बीटा हो जाता है चेंज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। दूसरा, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, यह एक काम करता हूँ, रोमन वन बोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसके आधार पे यहाँ पे एक फार्मूला है डेल्टा ए, यहाँ तो एरिया चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे डेल्टा ए इज़ नथिंग बट ए नॉट बीटा डेल्टा टी। ठीक है, और तीसरा फार्मूला इसके आधार पे हम लिखेंगे, इसको पहले मैं इसको रोमन टू बोल देता हूँ, और फिर तीसरे वाले के आधार पे हम लिखेंगे जो फाइनल एरिया इज़ नथिंग बट इनिशियल एरिया इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी। तो आप फार्मूला में सिमिलैरिटीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे डिस्टेंस, किस तरह से ये वन टू थ्री को आप कंपेयर कीजिए ये वन टू थ्री से, तो आप देख लीजिएगा कि क्या इसमें इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, और इनको याद रखना कितना हमारे लिए आसान है, इज़न्ट इट डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पर एरियल एक्सपेंशन में बेसिकली क्या हो रहा होता है कि एरियल एक्सपेंशन के अंदर में हम एक टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेते हैं, मतलब मान लीजिए एक प्लेट ले लिया हमने। ठीक है, अब इस प्लेट को जब हम हीट करेंगे तो ये प्लेट का एरिया बढ़ जाएगा, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगी, है ना। तो इस तरह की बात है, तो दैट्स इट डियर फ्रेंड्स, तो ये पूरा का पूरा एरिया बढ़ गया। तो जो इनिशियल एरिया था, ये वाला एरिया, उसी एरिया को हम ए नॉट बोल सकते हैं, जो ओरिजिनल एरिया था, इनिशियल एरिया था, और बाद में दिस इज़ द फाइनल एरिया। ठीक है, तो इस तरह की बात है। तो ये है हमारा एरियल एक्सपेंशन। अब इसी तरह से हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो जब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स वॉल्यूम एक्सपेंशन की, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन में क्या होता है वो देखते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन में पूरा का पूरा वॉल्यूम एक्सपांड हो जाता है, मतलब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की जब हम बात करेंगे, तो जब हम बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है, और इसको जब हमने हीट किया तो ये एक बड़ा क्यूब बन गया। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था, वी नॉट था, और बाद में फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, वी हो गया। जैसे यहाँ फाइनल एरिया को ए बोला था हमने, तो अब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं अपने तीन फार्मूला जो हमने पीछे लिखे थे। तो जैसे यहाँ पे हमने अल्फा देखा था, यहाँ पे हमने बीटा देखा था, तो अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, गामा देखने वाले हैं। तो यहाँ पे होगा डियर स्टूडेंट्स, गामा इज़ नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। फिर उसके बाद चलिए इसको मैं बोल देता हूँ क, इक्वेशन नंबर क, और उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा फार्मूला था ये वाला डेल्टा ए वाला, तो यही मैं डेल्टा वी के टर्म्स में लिख रहा हूँ। तो डेल्टा वी इज़ नथिंग बट वी नॉट गामा डेल्टा टी, इसको मैं इक्वेशन नंबर ख बोल देता हूँ। और जो हमारा
ये जो तीसरा इक्वेशन था फाइनल एरिया का, तो वैसे यहाँ फाइनल वॉल्यूम का इक्वेशन है, तो फाइनल वॉल्यूम इज़ नथिंग बट वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, इसको मैं इक्वेशन नंबर ग बोल देता हूँ। तो देखिए 1 2 3, यहाँ पे जो 1 2 3 था, 1 2 3 वहाँ पे इसका भाई रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3, और वॉल्यूम एक्सपांशन में जो इनका भाई है वो है कौन, क ख और ग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो बीटा है हमारा, यहाँ जो हमारा बीटा है, दिस बीटा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। क्या बोलते हैं बीटा को, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। और सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा गामा है, यहाँ पे गामा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि जो गामा है, गामा की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी। तो देखिए ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो कट जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन इज़ द एसआई यूनिट फॉर गामा। और यही एसआई यूनिट हमारा बीटा के लिए भी होगा, क्योंकि बीटा में भी देखिए आप एरिया एरिया कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बीटा के लिए भी जो एसआई यूनिट आएगा वो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन आएगा। वही जो हमारा अल्फ़ा के लिए भी आया था, लेंथ लेंथ कट गया था, और अल्फ़ा के लिए भी तो वही आया था पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की एसआई यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। अल्फ़ा को हमने क्या बोला था, अल्फ़ा को हमने बोला था कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। किसी भी एक गिवन सॉलिड के लिए अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यूज़ फिक्स होती हैं एक गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे या बहुत ज़्यादा घटा देंगे तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू माइट चेंज, ठीक है, चेंज हो सकती है। लेकिन एक गिवन रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए अल्फ़ा बीटा गामा तीनों की वैल्यूज़ किसी भी एक गिवन मटेरियल के लिए कॉन्स्टेंट होती है, ठीक है डिस्टेंस। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देर किस बात की, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए इनको। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे डिस्टेंस। ये तीन इक्वेशंस तो आप लास्ट लेक्चर में ही कॉपी कर चुके थे, आपको एरियल एक्सपांशन से शुरू करना है, तो यहाँ से आप कॉपी करना शुरू कीजिए। ये आपने कॉपी कर लिया डिस्टेंस पॉज करके, तो चलिए अभी ये कॉपी कर लीजिए पॉज करके, ठीक है, कॉपी हो गया। तो चलिए हम कुछ और बातें करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स किसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सॉलिड्स जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं किसी भी डायरेक्शन में, है ना, इन ऑल द डायरेक्शंस। सॉलिड के अंदर आप किधर भी जाइए हर दिशा में आपको प्रॉपर्टीज सेम मिलेंगी, उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक सॉलिड्स। तो फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज नथिंग बट 1:2:3, ये रिलेशनशिप है अल्फा बीटा और गामा के बीच में, ठीक है। यानी आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि अल्फा अपॉन बीटा जो है वो 1:2 है, यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं कि बीटा इज़ नथिंग बट 2 अल्फ़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। यही नहीं, यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं, मतलब ये मैंने कैसे निकाला अगर आप ध्यान देंगे तो, इन दोनों के रेशियो से, ठीक है। अब मैं बीटा इज़ टू गामा भी कर सकता हूँ, बीटा इज़ टू गामा इज़ नथिंग बट 2:3, देखिए बीटा इज़ टू गामा इज़ नथिंग बट 2:3। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि 2 गामा इज़ इक्वल टू 3 बीटा, ठीक है, ये एक चीज़ है। और एक तीसरा रिलेशनशिप भी हम यहाँ से बना सकते हैं, तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप डियर स्टूडेंट्स वो है अल्फा इज़ टू गामा। तो हम देख रहे हैं कि अल्फ़ा इज़ टू गामा इज़ नथिंग बट 1:3, इजंट इट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट गामा इज़ नथिंग बट 3 अल्फ़ा, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लीजिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज 3 टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए वॉल्यूम 10% से बढ़ता है तो उसकी लेंथ कितने से बढ़ेगी, 30% से बढ़ेगी डियर स्टूडेंट्स किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सॉरी, अगर लेंथ 10% से बढ़ता है तो वॉल्यूम 30% से बढ़ेगा, है ना। अगर ये 10% से बढ़ता है तो वॉल्यूम कितने से बढ़ जाएगा, 30% से बढ़ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना। हाँ, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है ना। और अगर ये 10% से बढ़ेगा यानी लेंथ 10% से बढ़ेगी तो एरिया कितने से बढ़ जाएगा,
20% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें हमने किसके लिए की, फॉर आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, यानी ऐसे सॉलिड्स विच हैव सेम प्रॉपर्टीज़ इन ऑल द डायरेक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर यही हम बात करें एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स की, ठीक है, एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स, यानी मैं लिख रहा हूँ फॉर एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स। अब ये एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स किनको बोलते हैं, ये वो सॉलिड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं अलग अलग दिशा में, ठीक है, उन्हीं को हम एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम बोलते हैं गामा इज़ नथिंग बट, इनका रिलेशनशिप कुछ इस तरह से, अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा वाई प्लस अल्फ़ा जेड। देखिए, इनके लिए अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग दिशा में अलग अलग होती है, यानी कोई भी तुम एनिसोट्रोपिक सॉलिड अगर ले लो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसके अंदर में आप अलग अलग दिशा में जाइए, इधर जाइएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू अलग मिलेगी, उधर जाइएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू अलग मिलेगी, इधर जाइएगा तो अल्फ़ा की वैल्यू अलग मिलेगी, है ना। तो अगर मान लीजिए एक्स के लॉन्ग हम जा रहे हैं तो हमको जो अल्फ़ा की वैल्यू मिली वो अल्फ़ा एक्स है, वाई के लॉन्ग जा रहे हैं तो हमको अल्फ़ा की जो वैल्यू मिली उसको अल्फ़ा वाई बोल देते हैं, जेड के लॉन्ग जा रहे हैं तो अल्फ़ा की जो वैल्यू मिली उसको अल्फ़ा जेड बोल देते हैं। तो फिर जैसे हमको पता है कि अभी इन तीनों को ऐड करके हम क्या लिख रहे हैं, गामा लिख रहे हैं। देखिए, अगर ये आइसोट्रोपिक सॉलिड होता तो आइसोट्रोपिक सॉलिड में क्या होता, ये भी अल्फ़ा होता, ये भी अल्फ़ा होता और ये भी अल्फ़ा होता, यानी कि तीनों दिशा में अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती, सेम होती। तो अगर तीनों दिशा में अल्फ़ा की वैल्यू सेम होती तो फिर ये क्या बन जाता, ये बन जाता है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ क्या है, गामा है ना, तो गामा क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा हो जाएगा। और देखिए यही रिलेशनशिप हमने पढ़ा था, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए गामा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। तो गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा किसके लिए हो पाएगा, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए। पर अगर एनिसोट्रोपिक सॉलिड है तो फिर हम इस तरह से उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो एनिसोट्रोपिक सॉलिड है उसके लिए मैं ऐसा नहीं लिख पाऊँगा, ये चीज़ें मैं नहीं लिख पाऊँगा, है ना, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। तो हमें सिर्फ इतना लिख के छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है, सिर्फ इतना ही लिख पाएंगे हम डियर स्टूडेंट्स, किसके लिए, फॉर एनिसोट्रोपिक सॉलिड्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूँगा कि पॉज करके आप पहले ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो फिर आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ये कॉपी कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो बच्चों अब तक हमने जो सीखा उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फार्मूला किस तरह से अप्लाई करना है। तो इसमें जो पहला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो पढ़ते हैं हम, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ख़ुद से भी ये प्रॉब्लम पढ़ सकते हैं, ठीक है, और ख़ुद से आप ट्राई भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपसे ये सॉल्व हो रहा है या नहीं। तो सवाल है कि द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाई 0.24%। वॉल्यूम इतने से इंक्रीज़ हो रहा है ना, यानी ये परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम है, यानी ये जो चीज़ है वो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100% इज़ नथिंग बट 0.24%। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज हम किस तरह से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर हमको परसेंटेज चेंज दिया है 0.24%, तो हम बोल सकते हैं तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज़ नथिंग बट 0.24% यानी अपॉन 100, 0.24% यानी 0.24 अपॉन 100। तो ये हमको मिल गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज़ फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, हाँ जी, तो ये हमको डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे पढ़ते हैं, व्हेन इट्स टेम्परेचर इज़ रेज्ड बाय 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे हमको डेल्टा टी दिया हुआ है जो कि है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज़, ठीक है, तो यानी कि हमको अल्फ़ा की वैल्यू का पता लगाना है। और ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है, ये एक मेटल स्फीयर है, यानी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा। गामा की हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमको तो पता है कि हमारा गामा क्या होता है, गामा हमारा होता है
चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए डेल्टा वी बाई वी हमें पता है, जो कि हमें ये दिया हुआ है 0.24/100। तो वही मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 0.24/100 इनटू डेल्टा टी 40। कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है केल्विन में, क्योंकि ये डेल्टा टी है। मैंने बताया था कि जब भी डेल्टा टी रहेगा किसी फार्मूला में, तो वहाँ हम डिग्री सेल्सियस में डेटा रखें या केल्विन में रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेल्टा यानी चेंज, 40 डिग्री का चेंज सेल्सियस स्केल में इज इक्वल टू 40 डिग्री का चेंज केल्विन स्केल में। तो चेंज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 40 ही रहने वाला है ना, उम्मीद आप बात समझ रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपली 40 रख दिया उठा के। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा यहाँ से गामा की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे गामा निकल के जो आएगा वो आएगा 6×10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आ जाएगा गामा। पर हमें निकालना क्या है, निकालना तो हमें अल्फा है, तो अल्फा निकालने के लिए हमें पता है गामा इज 3α एंड अल्फा इज़ गामा अपॉन 3। ये अभी हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे गामा इज इक्वल टू 3α, सो अल्फा इज़ गामा अपॉन 3। तो गामा अपॉन 3 कर दीजिए डिस्टेंस, यानी इस पूरे चीज़ को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हमारा अल्फा क्या आ जाएगा, 2×10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस इज इंट इट। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब है। ठीक है डिस्टेंस, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कैसे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। आप चाहें तो पॉज करके ये कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, एक और सवाल लेते हैं यहाँ पर डिस्टेंस। तो सवाल पढ़ते हैं, अ रॉड ऑफ सिल्वर एट 0°C। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम भी बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। तो उसने दिया है कि अ रॉड ऑफ सिल्वर एट 0°C इज़ हीटेड टू 100°C, यानी पहले वो ज़ीरो पे था और उसको हीट करके कहाँ तक ले गए हम, 100 तक ले गए। यानी यहाँ जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हम कितना लिख सकते हैं, 100°। देखो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 100 - 0 = 100। आगे क्या दिया उसने कि इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज बाई 0.19 cm। तो जो रॉड था उसकी लंबाई कितने से बढ़ गई, यानी चेंज इन लेंथ हमको दिया है 0.19 cm। ठीक है, तो फिर पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द सिल्वर रॉड इज, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम एक्सपेंशन, यानी बेसिकली उसने हमसे पूछा है कि बताइए कि गामा की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन। ठीक है, तो अब देखिए रॉड दिया है हमें, और रॉड का हमें क्या दिया है, चेंज इन लेंथ दिया है। चेंज इन लेंथ से हमें क्या मिल सकता है, अल्फा मिल सकता है, और एक बार अल्फा मिल गया तो अल्फा से हमें क्या मिल जाएगा, गामा मिल जाएगा। तो पहले तो हम अल्फा निकालते हैं डिस्टेंस। तो अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमको डेटा क्या क्या दिया है, हमको डेल्टा टी दिया हुआ है और हमको डेल्टा एल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट अप कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, और इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या दी है हमें, ओरिजिनल लेंथ हमें क्या दी है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन में मैं एक डेटा लिखना भूल गया, हमको ओरिजिनल लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है 100 cm। ठीक है, तो ये एक डेटा यहाँ पे दिया हुआ है जो हम यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन लेंथ यानी कि 0.19 cm/100 cm इंटू डेल्टा टी इज़ ऑल्सो 100। अब देखिए सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्यों, क्योंकि देखिए ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, यानी ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बचेगा सिर्फ पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट और सिर्फ पर डिग्री सेल्सियस वहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ रही है डिस्टेंस वो है 1.9×10⁻⁵। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज़ नथिंग बट 1.9×10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा निकल के आ गया है यहाँ से। अब हमें निकालना है गामा, तो वी ऑल्सो नो दैट गामा इज़ नथिंग बट 3 times अल्फा,
तो अगर अल्फा का हम 3 टाइम्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा डियर फ्रेंड्स, 19 3 57, यानी 5.7 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। यही है हमारा फाइनल आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, वही हमारा सही जवाब है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए पॉज करके आप ये भी कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो अब अगला टॉपिक जो हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो है एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपांशन इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में जो थर्मल एक्सपांशन होता है उसके एप्लीकेशंस हम देखने वाले हैं। और जो हमारा पहला एप्लीकेशन है उसको हम बोलते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप। क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। तो क्या होता है बाई मेटेलिक स्ट्रिप में डियर फ्रेंड्स, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, बाई बाई मतलब दो, मेटल यानी दो मेटल्स यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को आपस में वेल्डिंग कर देते हैं उनकी। तो मान लीजिए ये एक मेटल हो गया और ये दूसरा मेटल हो गया, तो दूसरे मेटल को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, वो मान लीजिए ये हमारा दूसरा मेटल हो गया, ठीक है। और दोनों की हमने यहाँ पर वेल्डिंग कर दी है, जोड़ दिया इन दोनों को आपस में। तो ये दो अलग अलग मेटल्स हैं, तो इनके कुछ नाम दे देता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा स्टील हो गया और ये मान लीजिए हमारा एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। अभी दोनों मटेरियल्स अलग अलग हैं तो दोनों के अल्फ़ा की वैल्यू भी अलग अलग होगी। तो अल्फ़ा जो स्टील के लिए है, स्टील का जो अल्फ़ा डियर फ्रेंड्स वो होता है 1.2 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। और जो एल्यूमिनियम का जो अल्फ़ा होता है वो होता है डियर फ्रेंड्स 2.4। ये आपको याद नहीं भी रहा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस ऐसे ही आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए बस। अब तो यहाँ पे एल्युमिनियम का अल्फ़ा ज़्यादा है और स्टील का अल्फ़ा कम है, ठीक है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो दिस इज़ इसका अल्फ़ा ज़्यादा है और स्टील का अल्फ़ा कम है, ठीक है। अब हम इस पूरे के पूरे बाई मेटल को हीट करेंगे, इस स्ट्रिप को हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, ये बेंड हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। और बेंड क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि बेंड वो किस किस प्रकार से बेंड होगा वो। तो डियर फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार से बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बन रहा है लेकिन उम्मीद है कि आपको बस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो बेंड हो जाएगा, इस प्रकार से वो बेंड हो जाएगा। तो यहाँ ऐसा देखा गया डिफरेंस कि जिस मटेरियल का अल्फा कम था, जिसका अल्फा कम था वो अंदर की तरफ है और जिसका अल्फा ज़्यादा था वो बाहर की तरफ है, यानी एल्युमिनियम बाहर की तरफ है और स्टील अंदर की तरफ है। तो डिफरेंस इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव साइड, कॉनकेव साइड। तो कॉन्वेक्स साइड में कौन सा मेटल होगा, बाहर की तरफ कौन सा होगा कॉन्वेक्स साइड में, जिसका अल्फा ज़्यादा हो। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अल्फा की जो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या था, अल्फा था हमारा चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। अभी दोनों मेटल्स के लिए ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी दोनों का ओरिजिनल लेंथ सेम है और दोनों का जो चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब दोनों का टेम्परेचर हमने मान लीजिए 40 डिग्री से बढ़ाया, तो दोनों का चेंज इन टेम्परेचर भी सेम है और दोनों का ओरिजिनल लेंथ भी सेम है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, यानी जितना ज़्यादा जिस मटेरियल का अल्फ़ा होगा उतना ज़्यादा उसका चेंज इन लेंथ होगा। तो लेंथ किसका ज़्यादा बढ़ने वाला है, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा होगा उसका लेंथ ज़्यादा बढ़ेगा फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। तो इसीलिए जिसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी वो बाहर के साइड होगा, यानी कॉन्वेक्स साइड होगा, उसकी लंबाई ज़्यादा होगी। और देखिए अंदर वाले की लंबाई छोटी है ना, क्योंकि वो अंदर के साइड में, तो उसकी लंबाई छोटी है, और जो बाहर के साइड में उसकी लंबाई ज़्यादा है, तो इसका डेल्टा एल विल बी मोर और इसका डेल्टा एल विल बी, इसका डेल्टा एल विल बी लेस और इसका डेल्टा एल विल बी मोर। तो इसीलिए जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है वो कॉन्वेक्स साइड में होगा, जिसका अल्फ़ा कम होगा वो कॉनकेव साइड में होगा, ठीक है।
तो ये चीज़ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, बायोमेटलिक स्ट्रिप क्या है, दो अलग अलग टाइप के मेटल्स लिए, एक का अल्फ़ा ज़्यादा एक का अल्फ़ा कम, उसको हीट किया, हीट करने से वो बेंड हुआ, बेंड इस प्रकार से हुआ कि ज़्यादा अल्फ़ा वाला बाहर की तरफ, कम अल्फ़ा वाला अंदर की तरफ। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको यूज़ कहाँ करते हैं? तो देखिए डिस्टेंस, इसका जो सबसे जो कॉमन यूज़ है वो होता है यूज्ड इन थर्मोस्टैट्स। थर्मोस्टैट एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है। टेम्परेचर अगर बढ़ा तो अलार्म बच जाएगा, या टेम्परेचर अगर घटा तो अलार्म बच जाएगा, इस तरह से उसको यूज़ करते हैं। तो उसका एक बेसिक डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो हम इस तरह से सर्किट के अंदर, डियर स्टूडेंट्स, अपने बायोमेटलिक स्ट्रिप को जोड़ते हैं। तो ये हमारा बायोमेटलिक स्ट्रिप है, जिसमें ये एक अलग मेटल है और ये एक अलग मेटल है, दो अलग अलग टाइप के मेटल्स हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे कांटेक्ट अभी बना हुआ है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए सर्किट में कहीं पे हीट बढ़ गया, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हुआ, ज़्यादा करंट फ्लो होने लग गया, हीट बढ़ गया है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो बायोमेटलिक स्ट्रिप है ये बेंड होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो लाल वाला मटेरियल है इसका अल्फ़ा कम है, और ये जो हरा वाला मटेरियल है इसका अल्फ़ा हमने ज़्यादा रखा है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ब्रेकर के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं बायोमेटलिक स्ट्रिप को। अब ये कॉन्टैक्ट कैसे ब्रेक करता है? हीट होने पे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। हीट होने पे ये स्ट्रिप जो है वो बेंड हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से वो स्ट्रिप बेंड हो जाएगी, सच दैट ये जो कॉनकेव साइड है उधर कौन है, लाल वाला मटेरियल है जिसका अल्फा कम था, और कॉन्वेक्स साइड में हमारा कौन सा मटेरियल है, ये हरा वाला मटेरियल है जिसका अल्फा ज़्यादा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, यानी अगर आप ध्यान से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्टैक्ट बना हुआ था है ना, वो वाला कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया। अरे ये चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना भूल गया, ये चीज़ देखिए, ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया ना, जो मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से दिख रहा था उसी चीज़ को मैंने वहाँ दिखाया। तो ये जो है कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया, कॉन्टैक्ट ब्रेक होते ही सर्किट टूट गया तो करंट फ्लो होना बंद हो गया, करंट फ्लो होना बंद हो गया तो अलार्म बज जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट ब्रेकर के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज अ बायोमेटलिक स्ट्रिप। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल सिर्फ इस पे आता है कि कॉन्वेक्स साइड में कौन, कॉनकेव साइड में कौन, यानी कॉन्वेक्स साइड में कौन सा मटेरियल और कॉनकेव साइड में कौन सा मटेरियल, जिसका अल्फ़ा ज़्यादा वो कॉन्वेक्स साइड, जिसका अल्फ़ा कम कॉनकेव साइड, इतना ही याद रखना है आप, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, डिस्टेंस बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ऊपर ऊपर की चीज़ें, आपको बेसिक चीज़ें बस मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि यह एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया होगा बायोमेटलिक स्ट्रिप का। ठीक है, तो कुछ और एप्लीकेशन हैं डिस्टेंस इसके, वो भी हम देखेंगे, पर पहले आप ये कॉपी डाउन कर लें। तो अगर ये कॉपी नहीं किया तो ये कॉपी कर लें, और एक बार ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप डिस्टेंस पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, है ना। जिसका अल्फा ज़्यादा उसका लेंथ में ज़्यादा चेंज, ज़्यादा इंक्रीज आएगा, है ना। और फिर उसके बाद डिस्टेंस आप पॉज करके ये भी कॉपी डाउन कर लेंगे। ऑलराइट, अब जो अगला एप्लीकेशन हम देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, वो है थर्मल स्ट्रेस इन रिजिडली फिक्स्ड रॉड। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने इलास्टिसिटी चैप्टर के अंदर में पढ़ा होगा, अगर आप भूल भी गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए मान लीजिए एक रॉड है जिसको हमने दोनों एंड्स को फिक्स कर दिया है, फिक्स सपोर्ट्स है ना, ये मेटल का रॉड है और इसको हमने क्या किया, इसकी हीटिंग की, हीट किया तो ये एक्सपैंड होना चाहेगा। ये क्या होना चाहेगा डियर फ्रेंड्स, एक्सपैंड होना चाहेगा, पर इसको एक्सपैंड होने से रोकेगा कौन,
बाहर से जो रिजिड सपोर्ट्स हैं, रिजिड सपोर्ट्स इसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेंगे और इसको एक्सपैंड होने नहीं देंगे, यानी चेंज इन लेंथ को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक्शन है और ये डिस्टेंस उसका रिएक्शन यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, इस तरह की बात है। सिमिलरली यहाँ पर जब हम रॉड को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, इसकी लेंथ सिकुड़ना चाहेगी, पर ये क्योंकि रॉड फिक्स है तो ये जो सपोर्ट्स हैं ये इसको खींच के रखेंगे, इसको लेंथ को चेंज होने नहीं देना चाहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे मामला होगा। अब यहाँ पे ये जो रॉड है, इस रॉड के अंदर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा और इस रॉड के अंदर टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टेंशन के रूप में बाहर से सपोर्ट्स उसको खींच रहे हैं ना, वो ठंडा होना चाह रहा है, वो खुद छोटा होना चाह रहा है, पर सपोर्ट्स उसको बाहर की ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा? यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा डिस्टेंस, क्योंकि रिजिड सपोर्ट्स उस रॉड को खींच रहे हैं दोनों तरफ से। और यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि जो रिजिड सपोर्ट्स हैं वो उस रॉड को कॉम्प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा बहुत चेंज इन लेंथ इन्वॉल्व है, इसलिए यहाँ यंग्स मॉडुलस की हम बात करेंगे। और हमको तो पता है कि जो यंग्स मॉडुलस होता है वो क्या होता है, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज़ नथिंग बट वाई इंटू स्ट्रेन, ये तो आपको पता ही है, इसके बारे में हम कुछ और बातें करेंगे डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रेन डेवलप हो रहा है उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेन की बेसिक डेफिनेशन क्या है डियर फ्रेंड्स? स्ट्रेन की बेसिक डेफिनेशन है, स्ट्रेन जो हमारा होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे जो लेंथ में बदलाव आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? हीट की वजह से आ रहा है ना, यहाँ जो लेंथ बढ़ने या घटने की कोशिश कर रहा है वो हीट की वजह से हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम हीट का फैक्टर लेके आएंगे, और हमको पता है कि जो हमारा अल्फ़ा होता है, हमारा जो अल्फ़ा होता है वो होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, है ना, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो डेल्टा एल बाई एल के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस डेल्टा टी को उधर भेज दिया तो अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना, तो उसी को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो डेल्टा एल बाई एल इज़ नथिंग बट अल्फ़ा डेल्टा टी। तो ये आ गया डियर फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला। तो दिस थिंग इज़ कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेन, अल्फ़ा डेल्टा टी। ये तो स्ट्रेन का जनरल फार्मूला है, और ये ख़ास फार्मूला है थर्मल स्ट्रेन का। ठीक है, अगर ये चेंज इन लेंथ टेम्परेचर की वजह से हो रहा है तो दिस थिंग विल बी कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, सो थर्मल स्ट्रेन इज़ व्हाट, अल्फा डेल्टा टी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रेन की, थर्मल स्ट्रेन की। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मल स्ट्रेस की। तो अगर जब हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेस यानी ये एक ऐसा स्ट्रेस है जो हीट के वजह से, हीट बढ़ने या घटने की वजह से ये स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं थर्मल स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमको पता है कि वो होता है वाई इंटू स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेन के नीचे थर्मल लिख देता हूँ और यहाँ स्ट्रेस के नीचे भी थर्मल लिख देता हूँ, तो यहाँ भी थर्मल लिख देता हूँ। तो वाई इंटू थर्मल स्ट्रेन विल गिव यू थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो व्हाट इज़ अवर थर्मल स्ट्रेन, y इंटू थर्मल स्ट्रेन इज अल्फा डेल्टा t, जो कि हम यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो देयरफॉर थर्मल स्ट्रेस हमारा क्या आ जाएगा, थर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट y अल्फा डेल्टा t, दिस इज थर्मल स्ट्रेस। तो हमारा थर्मल स्ट्रेन आ गया, हमारा थर्मल स्ट्रेस आ गया। अब हम बात करेंगे फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, यानी ये जो रिजिड सपोर्ट्स यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, चाहे वो टेंशन के रूप में हो चाहे किस भी रूप में हो, है ना, ये कुछ ना कुछ फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं रिजिड सपोर्ट। तो व्हाट विल बी दैट फोर्स विच इज़ क्रिएटेड ड्यू टू द थर्मल स्ट्रेस? तो हमको पता है कि जो स्ट्रेस हमारा होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना, और इधर हमारा क्या है, वाई अल्फा डेल्टा टी। तो बस इस एरिया को उधर भेज दो तो हमको फोर्स मिल जाएगा, है ना, यानी अल्टीमेटली व्हाट वी कैन राइट, पॉइंट नंबर 3, फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। डियर फ्रेंड, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ भी रहा हूँ ना, जो मैं लिख रहा हूँ उसको मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो आप कॉपी डाउन करें साथ ही साथ, है ना। तो फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं।
उसको मैं बोल रहा हूँ एफ थर्मल इज वाई ए अल्फा डेल्टा टी, मतलब ये ए कहाँ से आया, इधर नीचे से ये उधर आया है ना, ये आपको याद दिला दूँ मैं, इस ए को हमने उधर भेजा था तो वाई ए अल्फा डेल्टा टी हमारा एफ हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस वाई ए अल्फा डेल्टा टी। तो ये जो तीन फार्मूले तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रीजंस, ये है फार्मूला नंबर वन थर्मल स्ट्रेन, ये है फार्मूला नंबर टू थर्मल स्ट्रेस, और ये है फार्मूला नंबर थ्री फोर्स ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला आपको बाय हार्ट कर लेने हैं। तो चलिए डिस्टेंस आप कॉपी करना शुरू कीजिए, पहले आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, फिर एक बार आपका ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और एक बार आपका ये कॉपी हो जाए तो उसके बाद आप पॉज करके ये कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद एक दो एप्लीकेशंस और हैं वो भी हम देखते हैं।